आज साल का आखिरी दिन है। जी हाँ, मैं हूँ जोया खान और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं वीकेबी न्यूज में। जैसे कि मैंने कहा कि आज साल का आखिरी दिन है और काफी खूबसूरत तरीके से इस दिन को मनाया जाता है। हर किसी की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, पसंद होती है। कोई पार्टी मनाता है, कोई घर वालों के साथ बाहर जाता है, कोई पिकनिक पे जाता है। हर साल की तरह आज भी युवाओं ने सोचा होगा कि हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जो दो सालों से परिस्थिति बनती आ रही है, इस साल भी वही हुआ और फिर से कड़क निर्बंध लागू किए गए। तो इसी सिलसिले में हम निकल पड़े हैं युवाओं से उसकी राय, उनकी राय जानने के लिए। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं उनकी राय कि आखिर आज का उनका प्लानिंग क्या है। 31st है, आपका कुछ प्लानिंग्स वगैरह होंगे? सर अभी तो प्लान नहीं किया क्योंकि कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू 9 के बाद में, तो अभी तो कोई प्लान है ही नहीं। सो घर पर ही रहेंगे, घर पर ही प्लान न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, उसके अलावा कोई प्लान नहीं है अभी फिलहाल। या फैमिली के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे घर पे। या वही जैकुलर सिचुएशन ऐसी है कि अपन कुछ कर नहीं सकते, दैट्स व्हाई फिर घर पे ही नॉर्मल तरीके से जो भी एंजॉयमेंट है घर पे घर में ही करेंगे। हाँ, खास करके युवाओं में जुनून होता है नए साल का स्वागत करने का। हाँ जुनून तो होता है, पर अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भी अपने को काम करना पड़ेगा ना। ज़्यादा अपन मस्ती नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते फिर, और जो पुलिस वाले वगैरह रिस्ट्रिक्शन लगा है उसका भी फॉलो करना है अपने को, तो उसके हिसाब से मैं नॉर्मल तरीके से घर में एंजॉय करेंगे। थैंक यू सर। न्यू ईयर का स्वागत कैसे करेंगे? जो पुरानी गलतियां हैं उनको भुला के और नए एम बना के। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे आज 31st है, न्यू ईयर के स्वागत में हम लोग पार्टी करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं और खुशी खुशी से न्यू ईयर का स्वागत करते हैं। तो फिर लेकिन अभी पाबंदियाँ लग चुकी है, आप अगर न्यूज़ देखते आपको पता होगा। तो सही बात है, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने घरों में ही रह के पार्टी करनी चाहिए। बाहर ज़्यादा से मतलब कम से कम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए अभी फ़िलहाल, और ये कम से कम स्प्रेड हो यही सब लोगों को सोचना चाहिए अभी, क्योंकि हम तीसरी लहर के बहुत करीब हैं और हम टाल सकते हैं उसको तो टाल दिया जाए। आपके कुछ प्लानिंग्स नहीं थे इस साल? नहीं, मेरी कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर से हूँ मैं, तो प्लानिंग कुछ है नहीं, जैसे अपना नॉर्मल डे रहता है वैसे ही। नए साल का जश्न कैसे मनाएंगे, नए साल का स्वागत कैसे करेंगे? काम कर रहे हैं सर बस। जस्ट चंदन आते रहते हैं, साल तो नए, अब तो काम ही करना है। अब पिछला लॉकडाउन लगा उसके हिसाब से तो अभी काम ही करना पड़ेगा बस। काम भी रहा फिर भी हम रात को थोड़ा वक्त निकालते हैं और फिर कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन बनता है, तो सेलिब्रेशन आप कैसे करेंगे क्योंकि अभी पाबंदियां भी लगा दी है? फैमिली है सर, फैमिली के साथ घर में रहो, खुश रहो, बाहर जाके कोई मतलब नहीं है। फैमिली के साथ एंजॉय करो बस। सादगी के साथ, सादगी के साथ बोलो। किसके साथ? एकदम सादगी के साथ। हाँ एकदम सादगी के साथ, आराम से रहो, कोई बात नहीं है, घर में रहो, मस्त सादगी से एंजॉय करो बस। नए साल का आपकी सेलिब्रेशन करने के लिए, नए साल का स्वागत करने के लिए कोई सेलिब्रेशन होगी, कोई प्लानिंग होंगे? मैं सबसे पहले तो नए साल की सबको बधाई दूंगा और नए साल के इंतजार में जो लोग गलत काम करते हैं वो काम मत करें और नए साल को सेलिब्रेट अच्छे से अच्छे करें। अच्छा। मैं ही कहना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन अभी आपकी कुछ प्लानिंग थी? अपने तो प्लानिंग है, अपन क्या है, अपन आए हैं छत्तीसगढ़ से नए साल के सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। अपन गोवा गए थे, अभी गोवा से अभी आ रहे हैं, है ना, क्या अभी नागपुर से अभी आज स्टे करके अभी जाएंगे अपन। लेकिन सर ओमिक्रॉन की दस्तक भी है ना, नए साल की जो दस्तक, लेकिन ओमिक्रॉन की भी है, इसलिए पाबंदियाँ लगा दी है महाराष्ट्र सरकार ने। हाँ इसके लिए मैं सबको बोलूंगा कि आप अच्छे से कोरोना जो संक्रमित ना हो और अच्छे से अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो फिर प्लानिंग में कुछ बाधा है ना क्योंकि अभी पाबंदियां लगा दी हैं, तो जो जश्न जैसे डिस्को लगता है, कोई घर में अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं सही है, घर में रह के सेलिब्रेट करिए, लोगों को कहना चाहूँगा घर में रह के सेलिब्रेट, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। सर नए साल का स्वागत हम अपने अपने तरीके से करते हैं लेकिन इस बार पाबंदियाँ भी है महाराष्ट्र सरकार की, उस पर क्या कहेंगे आप? कानून का तो नियम, कानून का तो पालन करना ही पड़ेगा सबको, और अपने अभी तो जैसे हम हर साल बाहर करते थे इस बार घर में कर रहे हैं सब नए साल के। ये हमारा ऑफिस है बाजू में ऊपर में।
कैसे मनाएंगे, नए साल का स्वागत कैसे करेंगे, क्योंकि हर कोई तो मनाता है अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया हुआ है कोरोना के नियम का, अभी ओमिक्रॉन करके एक नया एक वेरिएंट आया हुआ है, उसमें क्या है कि कई लोगों को पालन करने के लिए सूचना दी गई है पार्टी के लिए कि आप 9 से 6 बजे तक का जो पाबंदी दी है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसमें क्या हो रहा है कि हर किसी ने इसका पालन करना चाहिए और कोरोना की गाइडलाइन जो दी है उसको नियम में रख के आप अच्छे से नया साल का स्वागत करिए 2022 का। बस इसी दो शब्द बोल के मैं अपनी शुभकामनाएं हर सभी जनता को देना चाहता हूँ। प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है मेरी, वैसे प्लानिंग मैं फैमिली के साथ ही मनाऊंगा। लेकिन कहीं बाहर जाने की फैमिली के साथ नहीं, भी नहीं, अभी इस कोरोना के माहौल में मतलब बाहर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। वैसे भी राइट हाँ गाइडेंस लगी उस चीज़ को हम लोग तो पूरा ही मेंटेन करेंगे और हम तो घर पे ही रहने वाले हैं और कहीं जाएंगे नहीं, हो सके तो मंदिर पास में चले जाएंगे और उसके बाद में तो कोई कहीं जाने के, और चाह के भी हम लोग नहीं चाहते कि और चीज़ आगे और रिपीट हो ये सब चीज़ें, इसलिए नहीं नहीं बहुत दहशत है और ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने तो वैसे ही किया है ना कि अलर्ट किया है कि जहाँ तक कि आप फैमिली के साथ मनाओ, बाहर जाना थोड़ा रिस्की है करके, इसलिए हम भी फैमिली के साथ ही मनाएंगे। हाँ कैसा है, प्रशासन ने ओमिक्रॉन के लिए जो 10:30 का गाइडलाइन रखा हुआ है वो एक्चुअली अगर 31st है तो 31st का तो हम हिसाब से 12 बजे के बाद में बनता है, तो 10:30 तक के रखना मेरे हिसाब से कोई वो नहीं हुआ। और ये 10:30 में मतलब इनके रात में ही कोरोना जाएगा, इसका क्या वो है प्रूफ है इनके पास में, क्योंकि बाकी दिन भर तो वो नॉर्मल चीज़ें चलती है, और 10:30 बजे तक के अगर ये लोग पार्टी रख रहे हैं तो 10:30 बजे तक की भी उतना ही क्राउड रहेगा और 12 बजे तक भी उतना ही क्राउड रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो फिर उसको 10:30 से 12 करने में क्या प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से प्रशासन के लिए। और जो लोग पार्टी हैं उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है जी, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया 9 से 6 तक का भी कर्फ्यू भी है, गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की है। राइट वो बात है, उसको हमको मानना चाहिए, हम उसमें वो नहीं कर सकते दखलंदाजी, बट ये कहाँ का वो हो गया कि आप रात में 9 से 6 में ही कोरोना आता है ना, क्योंकि 6 से 9 भी बीच में एक बनता है, तो 6 से 9 में कोरोना कहीं चले जाता है क्या? अगर कर्फ्यू है तो आप पूरा करिए, क्योंकि कैसा है जो मतलब लोग हैं हमारे जैसे बोल दो या जो भी है जिनको पार्टीज करना है, तो वो लोग 12 बजे जो इकट्ठा होने का है तो वो 9 बजे 6 बजे से करेंगे, लेकिन पार्टी तो हो रही है, पार्टी तो हो रही है, इससे पार्टी तो नहीं रुक रही। तो वही चीज़ अगर एक दिन का छोड़ के अगर दे दिए 31st के डे में मेरे हिसाब से जैसा 12 बजे तक दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक लोगों को एंजॉयमेंट के लिए भी मिल जाएगा समय और कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए उनका एक गुड फेथ भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। जो पार्टीज हो रही है वो तो ऑलरेडी हो ही रही है, जो पार्टीज हो रही है वो तो ऑलरेडी हो ही रही है, अब कोई यहाँ सिटी में नहीं कर रहा है लेकिन बाहर जाके फार्म हाउस पे मूव ऑन कर रहा है, मतलब फार्म हाउस पे मतलब पार्टीज हो रही है। लेकिन सर गैदरिंग तो हो गई ना, अब इकट्ठा हो गया, तो आप कर रहे हो ना पार्टी, नियम तोड़ रही है पब्लिक, सिटी में नहीं तोड़ रही है लेकिन बाहर जाके तो मिल रहे हैं सब लोग, गैदरिंग हो रही है, सिटी में नहीं हो रही है क्योंकि प्रशासन का डर है लेकिन बाहर तो हो रही है। डर के बाद में भी चीज़ें होना ही है, भले आप चाहे कितना भी डर दिखा दीजिए, कितना भी डर आप बता दीजिए, पार्टीज तो होगी। इनफैक्ट मैं ये चैलेंज के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लोग कर रहे हैं पार्टी, और आप अगर एक गाइडलाइन दे रहे हो कि हाँ ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ये भी सुनाई आया था कि सिटी को छोड़ के बाहर में मतलब ये फार्म हाउस में शिफ्ट हो रही है पार्टी, तो वहाँ पे भी तो पार्टी होना ही है, मतलब वो लोग अगर सिटी में भी गैदर होते तो भी गैदरिंग है, बाहर में भी गैदर हो रहे तो भी गैदरिंग है, तो मतलब मेरे हिसाब से इन लोगों के बोलने पर तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है ना, लोग अपना जगह शिफ्ट कर रहे हैं। रिसोर्ट हाल ही में देखने को आया है कि रिसोर्ट जो है वो पूरे फुल हो चुके हैं। राइट जब रिसोर्ट अगर फुल हो रहे हैं मतलब गैदर तो हो रही है, पब्लिक तो गैदर हो रही है ना, तो उससे बेटर यही है कि आप उनको एक वो दे दीजिए, एक दिन का एक दे दीजिए कि वैसे भी साल में एक बार आता है, जैसे तैसे कुछ लोगों का 2000 अपना जो 21 है वो निकला है और 2022 तक पहुँच रहे हैं तो खुशी क्यों नहीं मनाएंगे मेरे हिसाब से, है ना।
सर महंगाई भी है, कोरोना भी है, और सरकार कहती कि घर में बैठो, घर में बैठो तो फिर गवर्नमेंट थोड़ी खिला रही है अपने को। लेकिन कुछ तो गवर्नमेंट अनाज दे सकती, बाकी बच्चों की एजुकेशन के उसमें नहीं दे सकते ना, फीस वगैरह भरना है। कहीं अगर सदर 2 किलोमीटर जाना है तो पेट्रोल डालना है, गवर्नमेंट थोड़ी दे रही 2 किलोमीटर पेट्रोल के पैसे। लेकिन कितना भी हो, लेकिन अपने तरीके से तो हम तो न्यू ईयर का स्वागत करते ही है, और आज तो 31st है, तो उसके बारे में नहीं, घर में बैठ के करेंगे, टीवी पर देखेंगे, जो प्रोग्राम आएंगे बच्चों के साथ में वही एंजॉय करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। एकदम सादगी से, बिल्कुल सादगी से, सवाल ही नहीं आता। अगर सादगी से नहीं करेंगे नाकाबंदी जो लोग मस्ती करते हैं ना, अपन तो ओवर 50 है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो मस्ती करती है, तो उनके लिए बंदोबस्त भी है फिर वैसा। तो ये थी हमारी युवा पीढ़ी और साथ में जनता की राय। तो आप सभी ने देखा कि कुछ लोगों का समर्थन भी है कि काफी सादगी के तरीके से हम जो है नए साल का स्वागत करेंगे, और काफ़ी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ भी हुए हैं, क्योंकि 2 साल से यही होता आ रहा है, घर के घर में हम सादगी से सारे त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन 31st जो है जो काफ़ी स्पेशल होता है युवाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं उनमें नाराज़गी की जो लहर दौड़ उठी है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि परिस्थितियां फिर वैसी आ गई है। वीकेबी न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, तो उसी के चलते आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, और नए साल का काफ़ी सादगीपूर्वक स्वागत करें। वीकेबी न्यूज़ के विशेष में अभी इतना ही, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान, नागपुर।